हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि सूजी का पैनकेक कैसे बनाते हैं। मैंने सूजी का पैनकेक ट्राई किया वेजिटेबल्स के साथ। ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा है और इवन आप इसको इवनिंग टाइम पे भी ट्राई कर सकते हो। ये लाइट भी होता है पर फुलफिलिंग भी होता है। इसको बनाने के लिए मैंने सूजी दैट इज़ सेमोलिना यूज़ किया है और वेजिटेबल्स यूज़ करे हैं और इसको मैंने शैलो फ्राई किया है। ये देखिए, ये बाहर से कितना क्रिस्प और कितना टेस्टी दिख रहा है। मैं इसको आपको काट के बताती हूँ। और ये देखिए, सॉफ्ट भी है क्योंकि इसमें वेजीज है। सेमोलिना के साथ जब आप वेजीज डालते हो तो उसका टेक्सचर बहुत न्यूट्रलाइज हो जाता है ना, तो वो ज़्यादा हार्ड रहता है और ना ही वो ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। सो बिल्कुल परफेक्ट है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, घर पे बनाकर देखना कैसा है ये। इसका मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें कौन कौन सी सब्ज़ियाँ यूज़ की हैं। तो मैंने ग्रीन बीन्स को छोटा छोटा चॉप कर लिया है और कैरेट्स को मैंने थोड़ा सा थिन स्लाइस किया है, स्ट्रिप्स में रखा है क्योंकि इससे फ्लेवर टेक्स्चर में डिफरेंस आता है। और थोड़ा सा ऑनियन स्लाइस किया है और रेड बेल पेपर थोड़ा स्लाइस किया है। मैंने कुछ फ्रोज़न पीस यूज़ करे हैं और ग्रीन चिली, थोड़ा सा ग्रीन चिली चॉप कर लिया है। मैंने एक मिक्सिंग बोल में सूजी को डाल दिया और मैं अब इसमें से थिक योगर्ट उसमें मिलाऊंगी। इस रेसिपी का मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, आप उसको ज़रूर देखें और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने रेड चिली पाउडर मिलाया इसमें, कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर। अब मैं थोड़ा इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद भी मुझे ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैं अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और मिक्स करूंगी। मेक श्योर करिएगा कि इसमें ज़्यादा पानी ना हो जाए, अदरवाइज़ इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और पोरिंग कंसिस्टेंसी हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। हमें इसका कंसिस्टेंसी थिक चाहिए। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें सारे कटे हुए वेजिटेबल्स जो मैंने रखे हुए थे, मैं इसमें एक एक करके डाल दूंगी और उसके बाद इसको मिक्स करूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारी सब्जियां इसमें डाल दी हैं और मैंने मिक्स कर ली। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा। इसको सब मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दूंगी। अब इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसके बाद इसको जब आप शैलो फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छा शेप ले लेगा। अभी मैंने इसमें थोड़े से चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, जिसको हम धनिया की पत्ती बोलते हैं, और मैंने थोड़े से करी लीव्स डाल दिए। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मैंने इसको थोड़ी देर रेफ्रिजरेट कर दिया था 5 मिनट के लिए। अभी मैंने इसको निकाला है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, अभी भी जमा जमा सा है, थिक है और पोरिंग कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैंने एक छोटा सा फ्राइंग पैन वार्म कर लिया है। अभी उसमें मैं थोड़ा सा 1-2 चम्मच घी डालूंगी। आप सिंपली ऑयल से भी फ्राई कर सकते हैं। अभी मैंने सर्विंग स्पून से मेजर करके 2 बड़ी स्पून मैं इस फ्राइंग पैन के एकदम सेंटर में डाल दूंगी। अभी मैं स्पून से इसको थोड़ा शेप अप कर दूंगी, थोड़ा सा राउंड शेप में लाऊंगी ताकि ये देखने में अच्छा लगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा पैनकेक जैसा लग रहा है।
बहुत ज़्यादा बड़ा पैनकेक नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको फिर बड़ा करेंगे तो ये आपको फ्लिप और टर्न करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं थोड़ा सा छोटा साइज़ का बना रही हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा सकूँ। ऐसे तो आप बड़ा भी बना सकते हो, बीच से हाफ कट करके आप इसको फिर टर्न कर सकते हो, लेकिन मैंने छोटा सा आकार दिया है ताकि ये देखने में बिल्कुल पैनकेक सा लगे और खाने में भी अच्छा लगता है। मैंने इसको धीमी आँच में 5 से 7 मिनट तक इसको कुक किया है। अभी ये मुझे गोल्डन ब्राउन दिख रहा है कॉर्नर्स में, एजेस में। अभी देखिए मैंने इसको फ्लिप करके टर्न किया और अभी ये कितना प्यारा सा कलर आया है इसमें और अच्छी तरह से कुक हो गया है वन साइड। अभी मैं इसको दूसरे साइड से भी 5 to 7 मिनट्स कुक करूँगी। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको कवर ना करें, इसको ओपन करके ही इसको कुक करें, क्योंकि कभी कभी जो वेजिटेबल्स होते हैं वो पानी छोड़ देते हैं, सो वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसको ओपनली कुक करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 2 पैनकेक तैयार कर लिए हैं और ये बहुत क्रिस्प भी है, एजेस से ये क्रिस्प है और बीच में थोड़ा सा सॉफ्ट भी है, सो ये परफेक्ट लगता है खाने में। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, लेकिन इसका परफेक्ट मेजरमेंट मैं नहीं बोलूँगी कि आप इसको फॉलो करें। आप जब इसको मिक्स करेगा, जब इसका मिक्सचर बनाएंगे, तो मेक श्योर करें कि 1 कटोरी अगर आप सूजी ले रहे हैं तो उसमें 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे, उससे बहुत ज़्यादा भी दही नहीं डालेंगे। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा वाटर अगर ज़रूरत हो तो मिलाकर उसको मिक्स करेंगे। अगर आपका दही का कंसिस्टेंसी पतला है तो आपको वाटर मिलाने की भी ज़रूरत नहीं। ये वेजीज़ के साथ ये जो सेमोलिना बाइट्स है ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं और इसमें जो बीन्स हैं इसको ना जूसी रखते हैं, सो इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।